Hey everybody, today we have a very special guest with us. Many of you may recognize him from YouTube. He has previously worked for Groupers and right now he is working in Gojek as a security engineer. He is an Indian and he is none other than Ashim Srey. Hey Ashim, what's going on? Hi Kadan, thanks for inviting me. Yep, all good. Yep, it's a great privilege for me to have a talk with you. So what are we going to learn today? I have a few slides of Android pen testing, how to get started with, and that's what I'm thinking that would be good. Yep. So yep, let's start. So is the screen visible? Screen dikh rahi hai meri? Yeah, it's visible. Okay, chalo. Sir, who am I? यार ये generic slide, senior information security engineer at Gojek. ये कुछ मेरे वो हैं, handles हैं, Asim Srey Twitter पे hacking simplified. मेरा blog asimsrey.in पे. Government and companies secure, कुछ government bugs में ढूंढते रहता हूँ companies पे, so बस वही सब चीजें लिखी हुई यहाँ पे. Outline of the talk, this is important. So पहला है कि what is Android? A lot of people already know it, but just and then. बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप, बिकॉज कोई भी अगर ऐप को तुमको हैक करना है, चीज़ें करनी है, तो तुमको पहले उसके बेसिक्स पता होना चाहिए कि वो चीज़ें में मतलब व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो वो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग. देन आई एम गोना टॉक अबाउट कि स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है एंड्रॉयड ऐप का, मतलब उसमें क्या क्या करते हैं. ये बहुत मतलब स्टार्ट होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML से. हम लोग डिकम्पाइल करेंगे एक एक्चुअल ऐप को एंड अंडरस्टैंड करेंगे उसका कोड कैसे है. फिर उसमें कुछ सीक्रेट्स खोजेंगे एंड आई वुड शो यू द डिफरेंट टेक्निक्स दैट आई पर्सनली यूज एंड यू कैन ऑब्वियसली बिल्ड अपॉन दैट, उस पर चीज़ें और ऐड कर सकते हो. बट आई वुड से जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद दोस. फिर Q&A इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कथन यू कैन ऑब्वियसली हस्क. एंड देन आई वुड ऐड द लिंक ऑफ दीज रिसोर्सेज दैट आई गिव टू पीपल हु आर स्टार्टिंग इन टू एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग एंड सच एंड देन फर्दर कनेक्ट. तो पहले एंड्रॉइड है. सो एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको पता है. एंड दिस इज लाइक इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड गूगल शिप्स इट विद गूगल. लाइक गूगल हैज बिल्ट ओवर टॉप ऑफ इट लॉट ऑफ लाइक वेराइटीज एंड अपडेट्स. देर आर लॉट ऑफ अदर ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर बिल्ट ऑन द एंड्रॉइड OS. लाइक इट्स इनसाइड इट इट्स द लिनक्स कर्नल इटसेल्फ, बट ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉइड लाइक देयर इज दिस यू वुड हैव हर्ड अबाउट की Lineage OS करके है, then AOSP करके. सो ऐसे बहुत सारे इसको ROMs कहते हैं एंड उस पर मतलब वो सारे एंड्रॉइड ही होते हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर, कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें बदली जाती हैं, उस पर UI थोड़ा चेंज कर देते हैं. जैसे लाइक अगर तुम Samsung का फ़ोन यूज़ करो एंड MI का फ़ोन यूज़ करो एंड OnePlus का फ़ोन यूज़ करो, सो तीनों एंड्रॉयड है, बट तीनों में थोड़ा थोड़ा टचअप अलग रहता है. तीनों में कुछ कुछ चीज़ें अलग होंगे, कुछ कुछ फीचर्स अलग होंगे, थोड़ा UI डिफरेंट होगा. वो सब बिकॉज ऑन द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वो थोड़ा डिफरेंट कस्टमाइजेशन कर देते हैं, बट इन एंड वो एंड्रॉयड ही चल रहा था. अपार्ट फ्रॉम एप्पल बाकी जितने भी टैबलेट्स और आईपैड, तो बाकी जितने भी चीज़ें यूजुअली एंड्रॉयड ही चला रही होती हैं. सैमसंग के कुछ डिवाइसेज है जो कि टाइजन OS करके उनका खुद का वो यूज़ करते हैं. हवाई एक कंपनी है, वो अपने हवाई OS करके कुछ रिलीज किया था बिकॉज दे हैड सम मतलब कुछ उनका हुआ था सम देयर वाज सम इशू विद देम एंड गूगल, उनके बीच में कुछ हुआ था एंड देन दे स्टार्टेड कि हम लोग एंड्रॉयड के जगह अपना खुद का OS यूज़ करेंगे. But in general, the most of the apps or things that you would see would be either Android or Apple ka iOS. Basic components of an Android. So, Android application, jo bhi hota hai, wo primarily written hota hai. Bahut pehle, like 5-7 saal pehle, Java hi tha, Java mein hi log likhte the. Uske baad, because sabko Java nahi aati and thoda ease up karna tha, to Kotlin mein bhi likhne lage. Kotlin thoda usse easier version hai, jo ki eventually Java mein transpile hota hai. फ्लटर अभी बहुत रिसेंटली है, तो वो मतलब डार्ट लैंग्वेज है, वो भी गूगल का बनाया हुआ है एंड उसके ऊपर एक फ्लटर का UI फ्रेमवर्क है. सो उससे UI बहुत कंसिस्टेंट बनती है, लाइक बटन का साइज, बटन का कलर एंड बटन कहाँ पे फिक्स होगा UI में, कोई मतलब वीडियो प्लेयर वो कहाँ लगे. सो वो सब फ्लटर बहुत ईजिली मैनेज करता है एंड फ्लटर इज वन सिंगल कोड बेस जिससे आप मतलब एंड्रॉयड ऐप्स भी बना सकते हो, iOS ऐप भी बना सकते हो, वेब ऐप भी बना सकते हो. सो बस आप फ्लटर में वो चीज़ लिख दो एंड वो तीनों पर बन जाता है. ऑब्वियसली थोड़ा बीटा वर्जन में कुछ इसका जो वेब वाला सपोर्ट है, बट मोबाइल ऐप फॉर एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ही मतलब फ्लटर पे एक जैसे बनेंगे. सो जैसे जीरोधा का जो काइट ऐप है, जो कि एक ट्रेडिंग ऐप है, ट्रेडिंग जीरोधा ब्रोकर है, वन ऑफ द वेरी लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकर इन इंडिया. सो उनका जो काइट ऐप बना है वो फ्लटर पे बना हुआ है. सो लाइक दैट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल.
लेट्स कम बैक टू द लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो एपीके फाइल जो हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है. सर एपीके फाइल स्टैंड फॉर एंड्रॉइड पैकेज एंड वो होता कुछ नहीं, वो जिप फाइल होती है एंड उसके अंदर बहुत सारे एसेट्स, एसेट्स मतलब हो सकता है कोई पिक्चर्स हो या सॉन्ग्स हो, मतलब ऑडियो हो वीडियो हो, इस टाइप की चीज़ें वो एसेट्स होते हैं. एंड उसके अलावा उसका कोड होता है. कुछ कुछ ऐप में उनके खुद के सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, वो भी ऐप के अंदर ही एसेट की तरह डले हुए होते हैं. जो भी ऐप में इमेजेस देखते हो, अभी आइकन्स देख सकते हो, वो सारे एसेट्स होते हैं. सो मैं भी एक मतलब इसका दिखाऊंगा कैसे होता है. पहले आई थिंक आई शुड शो तो एक सेकंड में इस पे आता हूँ. स्टार्ट अगेन. सो लेट्स कम टू स्टैटिक एनालिसिस एंड देन मैं दिखाऊंगा कि लाइक अबाउट दोज एपीके का कैसा कॉन्स्ट्रक्ट होता है, उसमें क्या क्या फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, वो तब दिखाऊंगा. सो स्टैटिक एनालिसिस में सबसे पहले डीकम्पाइल करते हैं, फिर व्यू करते हैं हम पूरे एपीके को. सो दो तरीके होते हैं, मैं दोनों ही यूज करता हूँ बिकॉज दोनों बोथ हैव डिफरेंट यूज केसेस फॉर मी. सो जैसे JDX GUI, सो JDX एक टूल है एंड लेट मी शो यू JDX क्या है. JDX एक Dex to Java decompiler. So I will talk Dex क्या है and all. So Dex to Java compiler, command line and GUI tools for producing Java source code from Android Dex and APK files. So ये क्या करता है, जब आप इसको command देते हो JDX space कोई भी APK, तो ये उस APK को decompile करता है and actual Java code जो कि human readable है उसमें ले आता है. बिकॉज बाई डिफॉल्ट एपीके के अंदर जो कोड होता है बाइट कोड होता है एंड बाइट कोड आर ओनली मशीन रीडेबल, आप खुद को उसको देख के टेक्स्ट फाइल की तरह नहीं पढ़ सकते. वेरस ये क्या करता है, JDX उस बाइट कोड को रिवर्स करता है डेक्स एंड डेक्स को फिर वापस रिवर्स करता है जावा में. सो दैट इज मोर ह्यूमन रीडेबल एंड इसलिए वो ईजी होता है अंडरस्टैंड करना. JDX GUI जो है उसी पे एक GUI बना हुआ है जो कि ये है. आई वुड शो कि कैसे है. लेट्स कम टू दिस. सो मैं टर्मिनल पे आता हूँ. ये कमांड्स है यहाँ पे, वन सेकंड, ये कमांड्स यहाँ पे JDX-GUI देन APK का नाम. सो ये इनसिक्योर शॉप करके, ये आई थिंक पहले भी मैं अपने वीडियोस पे भी दिखाया हूँ. सो इनसिक्योर शॉप इज अ इनहेरेंटली मतलब बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं. सो ये आओगे अगर ये वेबसाइट है, मैं लिंक सारा डाल दिया हूँ. सो docs.insecureshop ऐप है, इज एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन दैट इज डिजाइन टू बी इंटेंशनली वल्नरेबल. The aim of creating this app is to teach developers and security professionals about the vulnerabilities that are present in modern applications, modern Android applications. And मैं यार insecure shop इसलिए बोल रहा हूँ because इसमें बहुत सारे ऐसे bugs हैं जो कि actually recently काफी मतलब लोग actual apps में मिलता है. नहीं तो बहुत सारे ऐसे vulnerable apps तुम अगर Google करोगे, like मैं कभी Google किया था, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं एंड उसमें वो सब बग्स अब यूजुअली मिलते नहीं या फिर बहुत ही मतलब बेसिक बग्स हैं. तो अगर कोई मान लो फ्लटर या इन सब ऐप के थ्रू, फ्रेमवर्क के थ्रू उन सब ऐप्स को डेवलप करता है, तो कुछ कुछ बग्स ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट मतलब कवर अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रेमवर्क. वो उतना सिक्योरिटी प्रिकॉशंस पहले से रखता है तो मिलते नहीं. वेरियज अगर ये इनसिक्योर शॉप के चैलेंजेस पर जाओगे तो ये जितने भी हैं काफ़ी अच्छे चैलेंजेस हैं, काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी अच्छे एक्चुअल बग्स हैं जो तुमको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मिलेंगे. एंड मतलब मेरे खुद पे चैनल पे सीरीज में मैं इसी ऐप को लेके आगे दिखाया हूँ. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. एंड सो ये एपीके है, यहाँ पे देख रहे हो insecureshop.apk. एंड कुछ नहीं करना है इसको, JDX-GUI insecureshop.apk कर दो अगर. सो ये UI खुल जाएगा एंड यहाँ पे सारा APK डिकम्पाइल होकर दिख जाएगा. ये लोड हो रहा है. तो ये सोर्स कोड, लेट मी ज़ूम इन अ बिट. आई थिंक हो सकता है, या ज़ूम नहीं हो रहा. ओके ठीक है. सो ये सोर्स कोड तो डिकम्पाइल्ड है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर APK फाइल में जाओगे तो ये सारी चीज होती है. मेटा इन्फो हो गया, कोटलिन, बिकॉज कोटलिन में बना होगा. ये रिसोर्स फोल्डर है जिसके अंदर मैं बताऊंगा क्या होता है. एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML है. classes.dex file is actual dex file जिसके अंदर पूरा बाइट कोड होता है एंड इस dex file को decompile करके ये source code वाला फाइल आता है, फोल्डर आता है. एक्चुअल में अगर APK खोलोगे तो इसके अंदर dex file होगा, इसके अंदर वो source code वाला फोल्डर नहीं होगा. देन resources.arsc, सो ये arsc मतलब बेसिकली ये resources जो मैं बताया, assets हो गए, certificates हो गए, ये सारे compile होके उसको obfuscate करके थोड़ा मतलब compress करके एक resources.arsc फाइल में डाल दिया था. एंड ये जो मतलब ये जो फाइल है इसको रीड करती है APK फॉर कोई भी अगर उसको एसेट चाहिए होता है. लेट्स अगर उसको कोई इमेज चाहिए हो या फिर कोई ऑडियो चाहिए हो तो इस फोल्डर के अंदर हो रहता है.
एपीके सिग्नेचर बताता कि डिजिटली साइंड है कि देखो इसके अंदर रेस्ट फोल्डर जाओगे तो ये अब ये देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ क्या है यहाँ पे। सो यहाँ पे तुमको सारे फोल्डर्स यूजुअली चेक नहीं करने होते, वैल्यूज एंड देन वैल्यूज हाइफन, ये जितने सारे ये बेसिकली अलग अलग लैंग्वेजेस है, जैसे ENRIN, ENRUS, तो US का होगा ये वैल्यूज हाइफन FR फ्रेंच का होगा। सो यूजुअली अगर कोई ऐप देखते हो एंड अगर उसका तुम देखते हो कि दैट ऐप इज ऑल्सो अवेलेबल इन फ्रेंच या हिंदी या इंग्लिश, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, सो बेसिकली वो वैल्यूज वाले फोल्डर मतलब डुप्लीकेट करते हैं, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग फाइल्स होते हैं उसको मतलब उसके अंदर इंग्लिश की जगह हिंदी वाली स्ट्रिंग डाल देंगे, हिंदी की जगह फ्रेंच वाली स्ट्रिंग डाल देंगे। सो उससे क्या होता है कि ऐप को फिर से पूरा नया ऐप नहीं बनाना पड़ता, बस वो अलग फोल्डर पिक कर लेते हैं, वहां से वो स्ट्रिंग वैल्यूज मिल जाती हैं उसको। लाइक फॉर एग्जांपल देखो मैं जैसे दिखाता हूँ, इस वैल्यूज फोल्डर के अंदर गए तो यहाँ देखो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल है। सो ये जो स्ट्रिंग्स है ये बेसिकली पूरे ऐप में जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे सारे यहीं पे रहेंगे। एंड अगर किसी डेवलपर को इसको पोर्ट करना है कि वैल्यूज इंग्लिश में, चलो अब इसको हिंदी में बनाते हैं, तो वैल्यूज हाइफन IN या वैसा कुछ करके दे देगा वो, एंड उसमें स्ट्रिंग को जैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स एंटर्ड ये इसके जगह कर देगा कि अक्षरें लिखी हुई जो हैं वो ये हैं, ऐसे करके मतलब उसको हिंदी बेसिकली कर लेगा। तो ऐप बेसिकली इस स्ट्रिंग नेम को पिक करेगा, एंड अगर वो हिंदी लैंग्वेज होगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हिंदी में जो लिखा होगा वो पिक हो जाएगा। सो दैट इज वन थिंग। एंड कमिंग टू द स्टैटिक एनालिसिस, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल इज अ वेरी गुड कैंडिडेट जहाँ पे तुमको देखना चाहिए। जैसे अगर यहाँ देख रहे होगा तो AWS का आइडेंटिटी पूल ID है, एंड यूजिंग दिस पूल ID आई वॉज एबल टू लाइक गेट दिस कॉग्निटो वाला, यहाँ पे एक है AWS Cognito misconfiguration, so ये बहुत सारे ऐप्स में मिलता है। एंड गौरांग जो कि ये इनसिक्योर शॉप बनाए हैं, मैं वो एक बार एक ये ट्विटर पर कुछ दिन पहले एक चैलेंज भी डाले थे कि ये AWS Cognito वाला कोई अभी तक सॉल्व नहीं किया है, एंड देन आई लेटर मतलब मैं उस दिन किया बैठ के, एंड देन इट वॉज मतलब दिस इज वॉट आई गॉट, एंड वो बकेट आई गॉट द बकेट एक्सेस एंड ऑल दैट। सो बेसिकली पॉइंट इज कि ये strings.xml के अंदर यूजुअली डेवलपर्स जो भी होते हैं कीज या API कीज या फिर पूल ID, ये सब चीज़ें लोग strings.xml में डालते हैं। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट इज दिस, बट मोस्टली यहाँ पे जेनरिक स्ट्रिंग्स हैं जो कि तुम्हारे कोई काम का नहीं है। जैसे ये वाला यू माइट थिंक ये कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, बट एक्चुअल में ये नहीं है। सो विद एक्सपीरियंस को पता चल जाता है ये सब चीज़ें इग्नोर करनी है और क्या क्या देखना है। जैसे यहाँ पे Firebase का कभी कभी Firebase का वो होता है बेस URL होता है, Firebase जो डेटाबेस होता है, सो तुम आगे /.json लगा के चेक कर सकते हो। यहाँ पे आई डोंट थिंक Firebase का है, ऐसे तुम सर्च कर सकते हैं Ctrl+F करके, और मैक में कमांड है। सो वन ऑफ दीज फाइल्स इज दिस, रिसोर्सेज के अंदर REST के अंदर वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर strings.xml, द अदर फाइल्स विच आर यूज फॉर डिफरेंट purposes, वी won't बी गोइंग into दैट। This is one of the places where you should look for strings and those kinds of things. So static analysis mein ek ye hai. Let me come to this one. The other way I use is APK tool use karta hu main. APK tool decompile karke isliye bhi main use karta hu because usse mujhe like main batata hu kya easy hota hai usse. तो मैं अगर APK टूल कर देता हूँ थोड़ा insecureshop.apk, सो क्या करता है यहाँ पे पूरे APK को डिकम्पाइल कर देता है। एंड डिकम्पाइल होने से क्या होता है कि अब मैं उस पर ग्रेप कमांड्स और बहुत सारे और चीजें डाल सकता हूँ, जैसे GF यूज कर सकता हूँ मैं टूल, देन आई कैन चेक फॉर ऑल द URLs एंड स्ट्रिंग्स एंड ऑल दैट। वेयर एज JADX GUI में इट्स गुड टू रीड द फाइल्स एंड लुक इन टू दोज थिंग्स, बट यहाँ पे सर्च करना थोड़ा एफर्ट है। लाइक मतलब जैसे यहाँ पे सर्च जाओगे तो ये डीकम्पाइल करेगा एंड देन ये सर्च करेगा, बट ये द इशू विद दिस इज कि जब तक तुम इस मतलब इस GUI के अंदर हो तभी तक तुम सर्च कर सकते हो, एंड मे बी तुमको मान लो बाद में मन करे तो तुमको दोबारा ओपन करना पड़ेगा, इसको डीकम्पाइल होने का टाइम देना पड़ेगा, एंड देन कोड सर्च करना पड़ेगा। रेजेक्ट सर्च करना आई थिंक इज नॉट पॉसिबल, ये सो एक वो इशू भी है। वेरस तुम ग्रेप या कोई भी और टूल चाहो तो टर्मिनल पर अगर एक बार डिकम्पाइल हो गया तो टर्मिनल पर जितने भी टूल चाहो, ऑटोमेशन चाहो, कुछ भी चाहो वो रन कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब देखो ये डिकम्पाइल हो गया तो यहाँ पे आएंगे तो इनसिक्योर शॉप के अंदर वो डिकम्पाइल हो गया। अब यहाँ पे आओगे तो देखो ये देखो 3-4 फोल्डर्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है REST Smalley Original Kotlin APK tool.ml Android Manifest.xml। सो दैट इज द एक्चुअल मतलब डिकम्पाइलेशन के बाद जो चीजें दिख रही हैं। अब आते हैं एक बार मैं बताता हूँ आगे क्या सर्च करना है, बट लेट्स फर्स्ट जंप इनटू कि
मतलब स्ट्रक्चर क्या है. सो अगर यहाँ जाओगे तो पहले मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल सबसे पहले इसको रीड करते हैं, देन वी लुक इनटू व्हाट द एक्चुअल नेम ऑफ द एपीके इज. लाइक जैसे अगर यहाँ पे आओगे तो एंड्रॉयड नेम कॉम डॉट इनसिक्योर शॉप डॉट इनसिक्योर शॉप. सो ये जो नेमिंग है इससे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल ऐप का कोड कहाँ पर रिसाइड करेगा. सो अगर ये सोर्स कोड वाले फोल्डर में जाओगे तो यहाँ कॉम करके एक फोल्डर है, इसमें इनसिक्योर शॉप करके फोल्डर है, एंड देयर इज कॉम इनसिक्योर शॉप डॉट इनसिक्योर शॉप ऐप. तो ये जो मतलब ये पूरा फोल्डर है वैसे इस एपीके का है, इसमें भी अगर इनसिक्योर शॉप ऐप जाओगे तो ये मतलब दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऐप, यहाँ पे एक्चुअल ऐप लोड हो रहा है काइंड ऑफ ये चीज है. बट दिस फोल्डर इज वेयर द ऑल द एक्चुअल कोड ऑफ दिस होल एपीके इज. गूगल और इन सब में अगर तुम जाके मतलब ये गूगल वाला फोल्डर है, बमटेक डॉट ग्लाइड या फिर कोटलिन कोटलिन एक्स, इन सब में बेसिकली तुमको कुछ भी सीक्रेट नहीं सर्च करना है बिकॉज वो डिफॉल्ट मतलब SDK मतलब डिफॉल्ट कोड है उन सब कंपनी का, बेसिकली लाइब्रेरी है. लाइक जैसे वेबसाइट में क्या होता है कि jQuery डॉट JS फाइल होती है वो इम्पोर्ट करते हो, तो यू डोंट गो एंड लुक इन टू सीक्रेट्स उन jQuery फाइल में बिकॉज वो स्टैंडर्ड कोड है, वो ऑनलाइन अवेलेबल, वहां से लोग डाउनलोड करके अपने लाइब्रेरी मतलब अपने वेबसाइट में डालते हैं. सो एज टू गेट ईज ऑफ फंक्शनैलिटी. सेम गोज इन एंड्रॉयड ऐप की ये सारे जो फोल्डर्स हैं, बाकी फोल्डर्स ये हो गया या फिर ये ऊपर वाला हो गया कोटलिन कोटलिन, ये सारे जो फोल्डर्स ये हमारे काम के नहीं बिकॉज उसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड कोड है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है. जो कस्टम स्पेसिफिक कोड टू दिस पर्टिकुलर एपीके है वो इस वाले फोल्डर में इनसिक्योर शॉप में एंड इसके अंदर सारा. सो अगर मुझे GF रन करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे LL-ALH जो है इसका मैं शॉर्ट फॉर्म LL है यहाँ पे बना हुआ है इसलिए मैं LL यूज कर रहा हूँ. तो मतलब मे भी आपके टर्मिनल पे LS-ALH करना पड़े आपको, बट दैट्स द सेम थिंग. LL जाऊंगा मैं ओरिजिनल के अंदर, यहाँ पे देखो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट XML है ये सारे हैं. अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वो जावा कोड नहीं मिलेगा, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्मॉली फोल्डर के अंदर जाएंगे बिकॉज स्मॉली इज वेरी सिमिलर टू बाइट कोड बट इट्स ह्यूमन रीडेबल एंड वन टू वन मैपिंग रहता है इसका. सो जावा में हो सकता है कि डिकम्पाइल या ऑब्फस्केशन की वजह से थोड़े चेंजेस हो गए कोड में जब वो मतलब JDXUI उसको डिकम्पाइल किया है, बट स्मॉली इज एज इज, अगर जो भी उसका बाइट कोड है एकदम वैसा ही रहेगा. तो अगर यहाँ पे आता है देखो यहाँ पे हम लोग को कॉम वाले फोल्डर के अंदर जाना है, कॉम वाले फोल्डर के अंदर इनसिक्योर शॉप में जाना है. तो सारे फाइल्स दिख रहे हैं मुझे, राइट, इतने सारे फाइल्स हैं. अब मुझे कोई सीक्रेट सर्च करना होगा इसमें तो मैं क्या करूंगा, GF टूल पता होगा लोगों को कि GF टूल इज अ टूल बाय टॉम नॉम नॉम सो बेसिकली इट्स अ रैपर ऑन ग्रेप. अगर ग्रेप के आपको कमांड शॉर्टकट पता तो देन यू कैन यूज दैट एज वेल, बट इवेंचुअली आई प्रेफर यूजिंग दिस बिकॉज ये थोड़ा ईजी होता है. सो अगर यहाँ पे आते हैं GF के बाद में टैप करूंगा तो सारे शॉर्टकट दिखाता है, सारे मतलब पूरा कमांड ऑटो कम्प्लीट दिखाता है क्या क्या है. सो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे सर्च करना होता AWS कीज का, राइट, सो GF AWS कीज एंड बस मैं इतना एंटर कर देता तो वो पूरे फोल्डर के अंदर चेक कर लेता कहीं पे AWS कीज है क्या. वैसे ही लेट्स से मुझे अगर सर्च करना होता यहाँ पे SSRF, SSTF, स्ट्रिंग सर्च करना कि कितने स्ट्रिंग्स है इस पूरे फोल्डर में, तो जितने भी डबल कोट के अंदर होंगे सारी चीजें सर्च कर लेगा. सो यूजुअली स्ट्रिंग्स में भी आप फिर मतलब स्ट्रिंग्स में आप जाकर सर्च कर सकते हो कि यूजर पासवर्ड तो कहीं पे हिडन नहीं है, और बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स आएंगे तो आई वुड से कि थोड़ा फिल्टर आउट कर लो, बट दैट्स हाउ यू वुड डू दैट इवेंचुअली. सो दिस इज वन वे GF यूज करके. आई यूजली सर्च फॉर S3 बकेट्स एज वेल. सो यहाँ पे अगर आओ सो S3 बकेट्स ऑब्वियसली इसमें नहीं है, सो दिस इज वन वे टू डू दिट एंड लेट मी क्लोज दिस वन वन. हाँ सो सर्च सीक्रेट्स यूजिंग GF एंड लेट मी स्टार्ट विथ वन ऑफ दोज चैलेंज. सो एक चैलेंज मैं करके यहाँ दिखाता हूँ. लेट से वी पिक दिस हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स. सो द फ्यू प्लेसेस दैट यू वुड लुक इन टू, पहला रेस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स डॉट XML वहां पे देख लो सारे हार्ड कोडेड सीक्रेट्स. सेकेंड थिंग APK टूल यूज करके डिकम्पाइल करो एंड GF रन करो एंड देन ट्राई टू गेट जो भी स्ट्रिंग्स वहां मिल रहे हैं. अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्चुअल मतलब दैट्स द टू वे दैट यू वुड लुक फॉर सीक्रेट्स. अब ये चैलेंज है हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल, यूज योर हॉकआई स्किल्स टू आइडेंटिफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट इज हार्ड कोडेड इन द ऐप. The credentials will allow you to log into the applications. Once you successfully identify the credentials and log into the app, you should see the following interface.
if you open this app, you download करके अगर तुम app open करोगे तो actual में login screen आता है and we would try to look into the logic of the login screen कि क्या है वहाँ पे. So here are the different screens. This is build config में भी usually मैं check करता हूँ, यहाँ पे भी कभी कभी लोग keys और ये सब डाल देते हैं. So ये देखोगे तो अलग अलग activity है, जो activity basically जो भी screen होता है उसको activity कहते हैं. तो अगर जैसे अगर तुम let's say Facebook खोलते हो तो Facebook का app जो है या Instagram खोलते हो तो जो main screen आता है हो सकता है उसका कोई एक activity का नाम हो. जब तुम किसी का प्रोफाइल खोलते हो तो उसका एक एक्टिविटी का नाम होगा. जब तुम फोटोज देखने के लिए फोटो वाला खोलते हो तो वो एक एक्टिविटी होगा. स्टोरी जो खोलते हो उसका एक एक्टिविटी होगा. जब चैट करते हो तो उसका एक अलग एक्टिविटी होगा. सो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. सो ये हम लोग को यहाँ पे सारे एक्टिविटीज दिख रहे हैं एंड बेसिकली क्लासेस दिख रहे हैं सारे. एंड जिनमें भी एक्टिविटी लिखा हुआ है वो बेसिकली वो एक स्क्रीन होगा इस पर्टिकुलर ऐप में. सो इट इज बट ऑब्वियस की लॉग इन एक्टिविटी लुक्स समथिंग दैट इज सिमिलर टू द लॉग इन फंक्शनैलिटी जो यहाँ पे बात जिसकी बात हो रही है. तो अगर यहाँ पे आते हैं थोड़ा अगर इवन इफ यू आर नॉट लाइक मुझे जावा इतनी नहीं आती, अगर मुझे कोई कोड लिखने बोले तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, बट पढ़ के थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि अच्छा ठीक है क्या. एंड एज अ हैकर और एज अ रिवर्स इंजीनियर पर्सन यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरा एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड क्या कोड है. थोड़ा जनरल आइडिया लेना है कि अच्छा ठीक है यहाँ ये हो रहा होगा यहाँ ये हो रहा होगा. बिकॉज तुमको पूरा कोड लिखना नहीं, तुमको बस कोड समझ के उसको क्रैक करना, दैट्स ऑल यू नीड टू डू. सो लेट मी शो यू वन थिंग. जैसे जैसे ऑन क्रिएट है, ये बेसिकली एंड्रॉयड के लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं. आई थिंक मैं एक वीडियो में अपने में बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड लाइफ साइकिल इवेंट. तो इसका एक डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम है ना. तो एक्टिविटी जब भी लॉन्च होती है बेसिकली जब कोई स्क्रीन लॉन्च होती है तो ऑन क्रिएट इवेंट सबसे पहले कॉल होता है. फिर ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम एक्टिविटी रनिंग हो जाती है. एक्टिविटी पॉज तब होती है जैसे लेट्स से तुम बीच वाला फोन का बटन दबाते हो तो एक्टिविटी पॉज हो जाती है, या फिर जब वो मल्टीपल एप्स दिखते रहते हैं बीच वाले स्क्रीन या लेफ्ट वाले बटन से तो बहुत सारे कौन कौन से ऐप खुले वो दिखते हैं तो तब तक वो एक्टिविटी पॉज होती है. जैसे तुम वापस एक्टिविटी पे क्लिक करते हो, मतलब बेसिकली ऐप पे क्लिक करते हो, वो वापस ऑन रिज्यूम कॉल होता है एंड एक्टिविटी स्टार्ट्स रनिंग. सो यहाँ इस केस में हम लोग को दिखा कि ऑन क्रिएट तो है बट ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम ये सब चीजें नहीं है. ऑन लॉग इन जो है ये आई थिंक कस्टम बनाया हुआ है. इफ आई सर्च फॉर दिस ऑन लॉग इन, सो सी यहाँ पे कुछ ऑन लॉग इन कहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे मिल रहा है राइट. एंड अगर थोड़ा पीछे आओ तो यहाँ मेटा डेटा है कुछ ऑन लॉग इन. सो ऑन लॉग इन इज बेसिकली द मतलब लॉग इन स्क्रीन वाला जो बटन वहाँ पे होगा, यूजर नेम पासवर्ड का स्क्रीन है. मैं अभी फोन कनेक्टेड नहीं बट यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन सी दैट. सो यहाँ पे अगर थोड़ा पढ़ोगे कुछ चेक पैरामीटर इज नॉट नल व्यू, कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं. टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, तो इससे थोड़ा आइडिया लग रहा हो कि अच्छा वो जो यूजर नेम पासवर्ड का टेक्स्ट इनपुट है इट इज दैट. एंड थोड़ा अगर इफ यू वुड हैव डन थोड़ा एंड्रॉयड मतलब ऐप क्रिएशन खुद से बेसिक ऐप जावा वाले ऐप तो तुमको पता होगा चाहिए टेक्स्ट इनपुट एडिट वाला भी होता है. सो लॉन्ग बैक व्हेन एंड्रॉयड स्टार्टेड काफी क्रेज था तो मैं भी थोड़ा बहुत किया था, तो इसलिए मुझे हल्का आइडिया है. ऑल्दो आई एम स्टिल नॉट कन्वर्सेंट इन जावा, लाइक मुझे बोलोगे जावा में हेलो वर्ल्ड भेज दो तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, बट कोड देख के बता दूंगा क्या चल रहा है बिकॉज प्रॉपर सिंटेक्स होते हैं इसलिए. तो यहाँ पे देखो log.d इज फॉर डीबग. log.d मतलब फॉर डीबगिंग. सो लॉग के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, इन्फो लॉग, डीबग लॉग, ट्रेस लॉग, फेटल लॉग एंड ऑल दैट. सो log.d बेसिकली डीबग लॉग्स है. एंड देयर इज अ टूल कॉल्ड पिडकैट. सो इफ यू अगर तुम ये ऐप चला रहे हो, ये फोन तुम्हारे ADB से कनेक्टेड है अपने लैपटॉप में, सो तुम यू कैन यूज दिस टूल कॉल्ड पिडकैट. आई यूज दिस बिकॉज ये काफी कलरफुल दिखाता है. तो पेडकैट एंड देन तुमको बस ऐप का वो आइडेंटिफायर देना होगा, लाइक com.insecureshop.insecureshop ऐप एंड देन वो बस देखो ऐसे एंड वो पूरा ऐसे ब्यूटीफुल लॉग्स दिखाएगा तो काफी सही लगता है देखने में, कलरफुल रहता है. तो ये डी मतलब डीबग लॉग से आई मतलब आई है, तो जैसे ये log.d यूजर नेम पासवर्ड है ये भी लॉग हो जाएगा. तो एज अ अटैकर बहुत बहुत सेंसिटिव चीजें भी लॉग होती है, लाइक टोकन वोकन लॉग होते हैं. सो यू कैन चेक इन टू दैट. ऑब्वियसली यू कैनॉट गो एंड रिपोर्ट दिस एज अ बग बाउंटी फाइंडिंग बिकॉज For this to happen, या तो वो फोन रूटेड, this is a risk because nothing sensitive should be logged, but this is a risk only when the app, the phone is rooted. So even if you report this to a company कि यार देखो ये sensitive log हो रहा है, so if they are kind enough, they might reward you, but otherwise वो बोलेंगे कि नहीं ये तो या तो rooted phone होगा तभी होगा या फिर ADB से connected होगा तभी होगा, because rooted phone में दूसरा app देख सकता है logging क्या क्या चल रहा है, otherwise non-rooted phone में ये सब चीज़ें नहीं हो सकती. So that was a side information that's not relevant to finding the username password right now.
यहाँ पे देखोगे कुछ इफेल्स चल रहा है, यहाँ पे वेरीफाई यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है। चलो इतना तो पता चल गया हम लोग, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड जो यहाँ पे लिया गया था कहीं पे, देखो स्ट्रिंग पासवर्ड टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट टू, ये इसका वेरिएबल का नाम है, गेट टेक्स्ट उसका टेक्स्ट लिया, एंड सेम गोज फॉर हियर टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट करके कुछ मतलब टेक्स्ट इनपुट वाला कैटेगरी था, एंड उसका एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है। इसका गेट टेक्स्ट लेके यूजर नेम वाले स्ट्रिंग में डाल दिया गया, इसका गेट टेक्स्ट लेके पासवर्ड वाले स्ट्रिंग में डाल दिया गया। तो यूजर नेम पासवर्ड हम लोग यूजर से रिसीव कर चुके हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई टू गेट दिस इन यूटिल डॉट इंस्टेंस ऑफ वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो इसको मैं खोल के देखता हूँ, वेरीफाई यूजर नेम पासवर्ड फंक्शन है, बूलियन रिटर्न करता है, बेसिकली ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक पैरामीटर नल तो नहीं है, चेक पैरामीटर नल तो नहीं, यूजर नेम पासवर्ड ऑन चेक कर लिया कि एम्प्टी तो नहीं है। गेट यूजर क्रेड्स कंटेन यूजर नेम पासवर्ड, गेट यूजर क्रेड्स यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर देखो शॉप यूजर और सो दिस लुक्स लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड दिस इज व्हाट आई वुड बी ट्राइंग कि यूजर नेम में शॉप यूजर डाल दूं एंड पासवर्ड में ये, बिकॉज दिस लुक्स लाइक दैट। तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि यूजर क्रेड डॉट पुट क्या कर रहा है, ऑल्दो ये हैश मैप में कर रहा है, बट इवन इफ यू वुडंट हैव नोन कि क्या है, स्टिल यू कुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है ये चीज है, ये यूजर नेम पासवर्ड जैसा लग रहा है, एंड यू वुड हैव ट्राइड दैट। सो दिस वाज द थर्ड वे वेयर वी फॉलोड द कोड एंड ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि कोड में क्या हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे वी फाउंड दिस सीक्रेट हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल। ऑब्वियसली अगर जीएफ में हम लोग यहाँ पे किए होते, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग कर रहे थे जीएफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे किए, तो यहाँ पे भी वो इनसिक्योर शॉप आया होगा। लाइक अगर लेट मी एड अ मोर ग्रेप, देखो शॉप यूजर यहाँ पे भी आया था। सो अगर इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू द होल ऑफ दीज स्ट्रिंग्स, तुमको ये इनसिक्योर शॉप मिल गया होता डेफिनेटली। सो लाइक दैट वे यू कुड हैव गॉट दिस लाइक सीक्रेट स्ट्रिंग देयर। ये URLs बहुत सारे हैं यहाँ पे देखो, ये सब चीजें मिल जाती है कुछ को, कभी कभी URLs होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं, API एंड पॉइंट होते हैं, वो सारे इसी GF इन सब के थ्रू मिल जाते हैं। जस्ट GF एंड स्ट्रिंग्स डालते हो तो बहुत सारे स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे फाइल नेम नहीं दिखा रहा, यू कैन ऑल्सो डू दैट कि फाइल नेम भी देख सको, grep hyphen n डालने से आई थिंक आ जाता है। सो यप, दैट वाज हाउ यू वुड स्टार्ट विद दिस। This is a resource. These are resources. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। I suggest to a lot of people to read this. And it has a lot of information. जो चीजें मैं थोड़े बहुत बताया, kind of वही चीज़ है यहाँ पे। कैसे decompile करते हैं all those. And then ये insecure shop का लिंक है, जो कि ये वाला वेबसाइट है। Cool, I think. That was it. Eat, sleep, hack, repeat. Yep. Any questions, Katan? You would have. That was pretty awesome. I got to learn new things as well. So one question, which is, have you seen more bugs in Kotlin app or Flutter app? Means like Kotlin is for since way long and Flutter is currently new. So yeah, so Flutter mein, matlab Flutter apps are usually hard to decompile and understand. बिकॉज अगर उसको फ्लटर ऐप को तुम डिकम्पाइल करते हो तो वहाँ एज इट इज सीधे से जावा कोड नहीं मिलता है, उसमें थोड़ा और मेहनत लगता है, एंड दैट इज नॉट वेरी इजी। तो यूजुअली मेरा फ्लो अप्रोच उसमें भी रहता है कि स्मॉल ही कोड आ जाए, एंड देन आई सर्च फॉर स्ट्रिंग्स एंड ऑल। एंड कोटलिन ऐप, बिकॉज मेनी ऑफ द कंपनीज कोटलिन ऐप है उनके पास, बहुत सारे कंपनीज है जो कोटलिन ऐप ही यूज करते हैं, मतलब बिकॉज फ्लटर काफी नया है, अलॉट ऑफ कंपनी आर स्विचिंग। सो कोटलिन ऐप मुझे ज्यादा मिला कम्पेयर टू फ्लटर। फ्लटर के बहुत कम ऐप्स मिले, जो नए स्टार्टअप्स है जिनका इतना बैंडविड्थ नहीं, दे वांट टू कीप द सेम कोड फॉर iOS एंड एंड्रॉइड, दे यूज फ्लटर। लाइक जैसे ज़ीरोधा फ्लटर यूज करता है बिकॉज दैट्स इजियर टू मेंटेन। सो या अ लॉट ऑफ कंपनीज आर स्विचिंग टू फ्लटर, सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि पीपल जो भी नए बंदे हैं जो सीख रहे हैं, स्टार्ट करो एंड्रॉइड से, थोड़ा देखो जावा खुद से, एक दो बेसिक ऐप हेलो वर्ल्ड ऐप बनाओ तो सो दैट यू गेट द हैंग ऑफ इट। एकदम बेसिक जावा, कोई भी APK कोई भी फ्रेमवर्क मत यूज करो, एकदम बेसिक जावा यूज करके एंड्रॉइड का ट्यूटोरियल देख के बस लाइन बाय लाइन फॉलो करके भी कोड बनाओगे तो भी तुमको आइडिया लग जाएगा। जैसे वो टेक्स्ट एडिट इनपुट में दिखाया था राइट, तो वो चीज मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैं एक टाइम पे एंड्रॉइड, मतलब 5-6 साल पहले एंड्रॉइड का ऐप बनाया था, जब वो जावा के थ्रू ही बनता था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन, कोई फ्रेमवर्क नहीं हुआ करता था। सो मुझे इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया है, वो ऐसे दिखता था, अच्छा यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बटन, अच्छा ऐसा होता है, ये बटन ऐसे लगता है, काइंड ऑफ वो चीज था। तो इसलिए मुझे वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना इजी हो गया। अगर तुम सीधे से फ्रेमवर्क करते तो फ्रेमवर्क में लेट्स से मैं फ्लटर से मैं शुरू करूँ, फ्लटर में तुम कोड लिख दोगे एंड फ्लटर में कोड कंपाइल हो जाएगा, तो तुमको
शटर का कोड देखना तुमको पता है, बट जब भी ये डीकम्पाइल होगा तो वो जावा का कोड ही देगा, तो तुमको समझ में नहीं आया कि यार कौन सा कोड है ये, बटन तो मैं लिखा था बटन डॉट exe, बटन डॉट exe यहाँ पर तो ये टेक्स्ट एडिटर, ये क्या है? सो इसलिए आई एम सेइंग इट, थोड़ा एकदम बेसिक से एक बार शुरू करो, थोड़ा गेट योर हैंग ऑफ इट, मतलब एक दो घंटे का ट्यूटोरियल होगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एंड देन स्टार्ट विद फ्लटर फ्रेमवर्क, खुद से ऐप बनाओ, उसको डीकम्पाइल करो, बिकॉज खुद के ऐप में तुमको पता होगा कि अच्छा ये चीज मैं यहाँ हाइड किया था तो मुझे ऐप में कहाँ मिल रहा है, तो वैसे करके करो, तो दैट्स द वे यू वुड गो. That's awesome. And actually एक और क्वेश्चन था जावा के रिलेटेड, लेकिन वो बीच में टॉक में आपने दे दिया. जो जावा सीखना जरूरी है क्या ऐसा, मतलब एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग के लिए ऐसा? तो मैं, मुझे जावा नहीं आता, सच बोल रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड भी नहीं आता मुझे लिखने, मुझे बोल दो मैं नहीं लिख पाऊंगा, जबकि जावा हम लोग के कोर्स में था, मतलब उस समय तो पढ़ पढ़ के पास हो गया था, बट आई एम टेलिंग यू मुझे नहीं आता जावा बिल्कुल. एग्जैक्टली, एंड बीटेक में सबको होता है लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिखता. जावा लैंग्वेज ही ऐसे रहा. मोस्टली जो लोग सर्विसेज कंपनी में ना, उनको जावा जरूरत पड़ती है, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट उनके होते हैं जो जावा में बना रहे होते हैं चीजें, बट exactly. मैं दो स्टार्टअप में रहा हूँ, दोनों ही जगह जावा बिल्कुल नहीं यूज हो रहा था, मतलब बहुत बहुत नॉमिनल, तो बच गया मैं. और एक और क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने ये थोड़ा बग बाउंड्री प्रोस्पेक्टिव से देखा, और क्या थोड़ा डिफरेंस है जैसे हम कंपनी में पेन टेस्टिंग करते हैं एंड्रॉइड एप्स को, तो थोड़ा डिफरेंस कुछ अलग सा? यस, तो कंपनी में ऐसा होता है जैसे अभी तो मतलब स्टैटिक एनालिसिस ये सब, मतलब बिकॉज जैसे मैं जब कंपनी में करता हूँ तो मेरे पास एक्चुअल कोड होता है, राइट? तो मुझे इजी, मतलब तब मैं ये नहीं बोल सकता कि यार मिस हो गया था मुझे बिकॉज डीकम्पाइल कोड था, तो मुझे चीजें सारी पता होनी चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये देखना, यहाँ ये देखना. सीक्रेट्स उस समय हम लोग इतना सर्च नहीं करते, बिकॉज हम लोग को पता है कि सीक्रेट्स कहाँ से आ रहा है, बस वहाँ पे एक बार देख लो, तो यूजुअली वो चीज उतनी चेक होती नहीं, ऑटोमेशन पकड़ लेगा, तुम्हारा मैनुअल एफर्ट उसमें उतना नहीं रहेगा. तो उस केस में जो भी लॉजिक जा रहा होता है ना, वो देखना होता है कि जैसे जो एपीके जो भी मतलब एंड पॉइंट्स फेच हो रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर होता है वो क्लाइंट साइड चेक लगाया था, बट एक्चुअल में बैकएंड पे चेक नहीं होता. सो अगर मान लो कोई नया फीचर जा रहा है, लेट्स से मान लो इनसिक्योर शॉप ऐप ही है, मान लो इसमें लॉगिन वाला फीचर जा रहा था, राइट? सो वो बोलता है कि हम लोग, मान लो हो सकता है इन केस आई एम नॉट सेइंग एवरी डेवलपर, बट कभी कभी होता है डेवलपर को कि ठीक है ऐप पे हम लोग चेक लगाते हैं कि पांच से ज्यादा एक मिनट के अंदर पांच से ज्यादा बार लॉगिन नहीं कर सकता, बट ही इज थिंकिंग एज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ अ यूजर, बट तुमको पता है कि अटैकर को अगर एक बार वो HTTP URL मिल गया तो बर्फ में टूटा जाके लाखों रिक्वेस्ट पे एक मिनट लगा देगा. सो बेसिकली तुम ब्रूट फोर्स नॉर्मल यूजर के लिए तुम प्रोडक्शन नहीं डालते हैं, तुम कोई अटैकर के लिए प्रोडक्शन डालते हैं. एग्जैक्टली, वो सब चीजें तुमको ज्यादा लॉजिकल बग्स ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीक्रेट ये सब ऑटोमेशन पकड़ लेंगे, तुम्हारा काम उतना नहीं रहेगा. जैसे स्टैटिकल एनालिसिस के लिए मोस्टली हम ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं, और लेकिन लॉजिकल जो है जैसे कि आइडल जैसे ढूंढना हो वो सब इसे होता है. एग्जैक्टली, मोस्टली अगर एपीआई सेफ रहेंगे ना तो सॉर्टेड रहता है, इसलिए बैकएंड में ज्यादा एफर्ट है, बिकॉज सब कुछ हिट तो एपीआई को करेगा इन द एंड. ऐप पे बहुत, ऐप पे ये सब चीज चेक करते हैं, जैसे मान लो कुछ सेंसिटिव डेटा सेव हो रहा है, सो वो सही से सेव हो रहा है कि नहीं, गलती से डाउनलोड्स फोल्डर में तो नहीं सेव हो रहा है, फिर ऐसे शेयर्ड फाइल्स में तो नहीं सेव हो रहा. सो वो सब चीजें, बिकॉज कुछ कुछ APIs ऐसे होते हैं जो चेक कर रहे हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कि अच्छा APIs एक्चुअल में कहाँ सेव करता है डेटा, वो डेटा हमारे APK में रहता है कि वो डेटा, मतलब कुछ कंप्लायंस का पार्ट भी आता है कि कुछ डेटा तुमको नहीं रखना होता है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि ये सब डेटा नहीं रख सकते. जैसे अभी रिसेंटली एक WebView का एक हम लोग में फीचर जा रहा था गोजेक के ऐप में, सो आई वॉज टेस्टिंग दैट, एंड वहाँ पे था हम लोग ये चेक करना था कि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट खोल रहा था, तो थर्ड पार्टी वेबसाइट खोल रहा था, तो मुझे बिकॉज WebView टेस्टिंग मुझे करनी थी, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि वो, मतलब एक देयर इज अ फीचर कॉल्ड जावास्क्रिप्ट ब्रिज, एंड उसको यूज करके बहुत सारे जो, मतलब अगर तुम रिपोर्ट्स पढ़ोगे बग बाउंड्री का, तो उसमें क्या होता है जावास्क्रिप्ट ब्रिज को यूज करके डीप लिंक के थ्रू एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड देन वो अपना वेबसाइट ओपन करते हैं, अपने वेबसाइट से जावास्क्रिप्ट ब्रिज को यूज करते हैं, उस ब्रिज को यूज करके बेसिकली एक्सेस टोकन ये सब चुरा लेते हैं, इफ दैट ब्रिज इज अलाउिंग देम टू डू दैट. सो वो सब चीजें मैं चेक करनी थी, बट मतलब दैट्स हाउ वी हैड टू चेक दैट, कि अगर कोई वेबसाइट खुल रही है तो वेदर इट इज एबल टू डू दैट और नॉट, तो WebView चेकिंग, बिकॉज ये सब स्पेसिफिक टू एंड्रॉइड है, बाकी अगर रेट लिमिटिंग ये सब तो API के एंड पे हो जाएगा, बैक एंड चेकिंग से हो जाएगा. ओके, और दूसरा क्वेश्चन था, ओके दैट्स इट आई थिंक. सो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली एक और था जो रिसोर्सेस के लिए था, वो भी आपने PPT में दे दिया, तो वो ओवरऑल कवर हो गया वहाँ पे भी. और जैसे कि अभी iOS भी है एक पेन टेस्टिंग के लिए, तो iOS के लिए अगर स्टार्ट करना हो तो वो कुछ आइडिया दे सकते हो आप?
यार मुझे आइडिया नहीं मिला, मैं बस कभी कोई आईओएस डिवाइस रहा नहीं, एंड मोस्टली ऐसा होता है कि जो आईओएस वाले एप्स होते हैं वो एंड्रॉइड पर मिल ही जाते हैं। हाँ ये है कि सीक्रेट्स वाले दोनों में चेक करने चाहिए, बिकॉज आई थिंक सीक्रेट्स का मैं होगा तो मैं शेयर कर दूंगा। तो आईओएस पेन टेस्टिंग के लिए मतलब मोस्टली लोग, बिकॉज आईओएस डिवाइस नहीं होती तो लोग टेस्ट नहीं कर पाते, राइट? बट स्टैटिक एनालिसिस करने के लिए आईओएस डिवाइस होना जरूरी नहीं है, तुम बस डिकम्पाइल करो, सीक्रेट सर्च करो, काम हो जाएगा। उसका रिसोर्स मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट आई हैव दैट लिंक, आई वुड सेंड इट टू यू, सो ओके यूज दैट। मैं श्योर। मतलब मैं वो चीज चेक करता हूँ, बिकॉज आईओएस ऐप है नहीं मेरे पास उसको चलाने का, तो मैं चेक नहीं, डायनेमिक एनालिसिस नहीं कर पाता उस पर। एग्जैक्टली सेम रीजन है मेरा भी। मैक्सिमम लोग का यार, आईओएस आज सुबह भी एप्लीकेशन। मुझे एक बंदा ट्वीट करके पूछना, बोले यार मुझे आता नहीं वो, मैं नहीं कर पाऊंगा। स्टैटिक एनालिसिस हो सकता है, बट ही वांटेड कि उसमें एसएसएल अनपिनिंग कर लो। मैं बोले यार देखो एसएसएल अनपिनिंग करना तो एंड्रॉइड पे भी कर सकते हो, एंड बिकॉज तुमको तो बस एपीआई एंड पॉइंट चाहिए। अब आईओएस चलो हाँ चाहे एंड्रॉइड चलो, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो वो चीज़ मैं सजेस्ट किया उसको, तो वो कर लो। एग्जैक्टली। सो गाइस थैंक यू आसिम फॉर योर टाइम, एंड गाइस डेफिनेटली चेक हिज चैनल। ही इज वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर, मींस ही इज वन ऑफ द इंडियन क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर ऑन द यूट्यूब राइट ओके नाउ। थैंक्स। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज चैनल एज वेल, सो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड many of you were asking, so we discussed with Asim that what topic should we take, and some of you might have commented that Android pen testing, bring Android pen testing, so I thought let's ask Asim that is he comfortable or so. Here you got it. So if you have any ideas or anything, you can definitely comment in the And thank you, Definitely. Asim. Thank you so much for sharing your time with us and teaching some great, awesome content to us. Thanks for inviting me, and this was really great. मैं खुद भी बहुत दिन से गायब था अपने चैनल से भी, तो फाइनली एक कुछ तो बना है। मैं अपने चैनल पे कुछ चीज डाल रहा हूँ यार, थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। And one, this is a common question that we ask to all speaker. हम ये common question सबको पूछते हैं, सारे जो speakers आते हैं, कि लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहते हो व्यूअर्स को? यार सो व्हाट आई एम सीइंग करेंटली, लाइक बहुत लोगों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग बग बाउंटी में आ रहे हैं, एंड लाइक दे आर वेरी यंग एंड ऑल। सो व्हेन यू आर वेरी यंग तो मतलब थोड़ा पेशेंस आई थिंक कम होता है, तो लोग बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं कि यार नहीं मिल रहा है। मतलब वो तो एक दैट्स वन थिंग कि पेशेंस थोड़ा कम रहता है। सेकेंड थिंग इज कि लोग दूसरों को देख के ज्यादा एनवियस हो जाते हैं कि यार उसको इतना बाउंटी मिला। सर मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है, हो सकता है मतलब एक्चुअल हो, कुछ लोग आजकल मैं देखा हूँ कुछ लोग फेक स्क्रीनशॉट्स भी डालते हैं, सब चीजें भी चल रही हैं, हाँ बट एग्जैक्टली डोंट डोंट गेट उनको देख के तुम अपना मतलब डोंट लूज योर मोटिवेशन। एंड इफ यू नॉट एबल टू कंट्रोल दैट, तो एटलीस्ट कुछ दिन के लिए बंद कर दो। मतलब डोंट लुक एट दोज थिंग्स, मतलब टेलीग्राम या जो जहाँ भी देखते हो तुम, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। सो रीड राइटअप्स, पढ़ो चीजें, देखो, डोंट फॉलो कि ये आई वॉज अबाउट इट, बिकॉज अगर तुमको लग रहा है यू आर गेटिंग अफेक्टेड आउट ऑफ इट, सो उन सब चीजों को कुछ दिन बंद करो। कोई भी स्किल सीखने में या थोड़ा टाइम लगता है, गिव योरसेल्फ 2 to 4 months एटलीस्ट। ऐसा नहीं हो कि यार जो बंदा आज कमा रहा है 8,000 या 4,000 या $5,000 कुछ भी कमा रहा है, ही वुड हैव स्पेंड सम टाइम पहले। यू यू डोंट सी दैट एफर्ट वहां पे, लेकिन तुमको वो चीज स्क्रीनशॉट दिख रही है, सो तुम्हारा भी टाइम आएगा। दैट्स दैट्स हाउ इट इज, गिव योरसेल्फ सम टाइम, रीड द बेसिक्स, थोड़ी मेहनत करो, यू वुड ऑल्सो फील गुड कि हाँ कुछ स्किल सीख। जैसे अगर तुम एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग में जाना चाह रहे हो, तो अगर तुम स्टार्ट कर तो पहले खुद से कुछ ऐप बनाने का, बहुत बेसिक से ऐप, जैसे मैं बोला कि जावा ऐप बनाओ, देन स्टार्ट विद सम फ्रेमवर्क। सो इवन इफ यू डोंट फाइंड एनी बग्स, एटलीस्ट तुम्हारे पास एक स्किल तो हो जाएगा, एंड्रॉइड ऐप बनाने का स्किल तो तुम्हारे पास आ जाएगा। सो यू वुड फील गुड कि चलो इतने इतने एफर्ट से मैं कुछ तो सीखा, एंड जब वो आ जाएगा देन यू वुड श्योरली लर्न कि पेन टेस्टिंग कैसे होती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And many people I also get DMs that they are not able to find the bug, and they are not able to they are struggling for a lot of months and still no single bounty and all those. So those kind of demands DMs are common. So That's people a in the thing. beginning they suffer a lot, means not बहुत है, बहुत मेहनत हाँ है, सच्ची मतलब बोल रहा हूँ मैं। इनिशियली में बहुत एफर्ट लगता है, एंड तुमको पता नहीं हाँ होता ना कितना एफर्ट लगा, तुम करते आ रहे हो नहीं हाँ रहा, हो नहीं रहा। क्योंकि सो जो पहले से कामयाब हो चुके हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई हम कहीं पे लेवल नहीं है, और उसे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। और जैसे आपने बोला कि कुछ फेक स्क्रीनशॉट भी डालते हैं, जैसे अभी एक केस हुआ था शायद से ट्विटर पे, काफी चर्चे में था वो, जब तो भी कोई भेजा था लिंक्डइन पे कि देखो यार ऐसे हाँ चल रहा है। तो
काफी ऐसे भी होते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए अपने स्टूडेंट्स से डलवाते हैं ऐसे स्क्रीनशॉट के भाई तू ओ अच्छा ये नया, ये नहीं पता था मुझे. एग्जैक्टली आई नो सम नेम इन द कम्युनिटी बट आई वोंट स्पीक हियर फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट या कुछ कराते हैं, ऐसे भी कराते हैं स्टूडेंट्स से. सर मतलब इतना मत सोचो, तुम अपना काम करो, अपना अच्छा करते रहोगे तुम्हारा अच्छा ही होगा. इट्स अबाउट योरसेल्फ, दूसरों को देख के क्या ही कर लोगे. और स्टूडेंट खुद मेहनत करते हैं, मतलब जो उन लोगों ने पढ़ाया है वो तो कुछ काम नहीं आया उनको, उससे उन्होंने फाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी बोलते कि भाई मेरा नाम डाल ऐसा. स्टूडेंट थोड़े काफी जिसको नाम डालना होगा वो खुद ही डाल देगा, ऐसा किसी को बोलना नहीं पड़ेगा. ये चल रहा है वैसे तो इंडियन मार्केट में बहुत चल रहा है आजकल ये चीजें. तो कुछ ऐसा टिप कि पेड को, जैसे मैंने अविनाश भैया को भी पूछा था कि पेड कोर्सेस या फिर बाद में शायद तुमको जरूरत पड़े बिकॉज सर्टिफिकेशन से कुछ चीजें ओपन अप होती हैं, बट इनिशियली आई डोंट सजेस्ट बिकॉज सर्टिफिकेशन से तुमको स्किल नहीं आ जाएगा, स्किल तुम्हारे मेहनत से आएगा या चीजें करोगे. तुमको अगर लग रहा है कि इस चीज में लैग कर रहा है, जैसे मान तुमको लग रहा है कि एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग के लिए मुझे एंड्रॉइड सीखना है, तो एंड्रॉइड का कोर्स देख लो. अगर तुमको लग रहा है एंड्रॉइड का कोर्स फ्री भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है, जो तुमको लग रहा है, बट उस पर इन्वेस्ट करो. मतलब इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट, फालतू की चीजों में पैसे लगा के कहीं करोगे. सो काइंड ऑफ वो चीज है. एग्जैक्टली. ओके थैंक यू सो मच आसिम वंस मोर एंड सी या. Maybe we can do this again another time. Sure. Anytime. Thanks for inviting me, yaar. It was nice. Yeah. Thank you so much. Bye-bye. Okay. Bye. Bye. Thank you guys for watching. If you have any guest speaker which we can invite on our channel, then comment below. I check all of your comments. And until next time, peace.